वेलकम टू रूमिनेटिंग ऑन लाइफ। इस पांचवें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का दिन खास है क्योंकि दो दिन पहले हमने 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया और इस खूबसूरत मौके पर रूमी के कहे हुए एक खूबसूरत बात पर हम आज विचार करेंगे। रूमी कहता है, व्हाई डू यू स्टे इन द प्रिजन व्हेन द डोर इज सो वाइड ओपन। है ना खूबसूरत बात। व्हाई डू यू स्टे इन प्रिजन व्हेन द डोर इज सो वाइड ओपन। सीधा सीधा रूमी ये कहना चाहता है कि वी ऑल लव फ्रीडम, बट हम अपनी ही विचारों का, अपनी ही भावनाओं का, अपने ही कर्मों का कैद खाने में। वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन थॉट्स, प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन इमोशंस, प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन एक्ट्स। आजादी कौन नहीं चाहता, मैं, आप सभी। एक बार A baby camel and his mother was lying around. And अचानक this baby camel asked his mother, Ma, why do we have a hump on our back? Mother camel ने मुस्कुराया और कहा, we have a hump to store water because we are desert creatures and we are known to survive in the desert without water for many days. Baby camel उनसे अगला सवाल पूछा, Why do we have long legs? लंबे पैर क्यों हैं हमें? So the mother camel told him, We have long legs because it helps us to move around, to walk easily through the desert. And ये लंबे पैर हमें किसी और से ज्यादा बेहतर चलने के लिए मदद करते हैं। After a while, this baby camel asked his mother, Why do we have long eyelashes? It sometimes hinders my sight. ये लंबे eyelashes कई बार मुझे देखने के लिए तकलीफ होता है। And this mother smiled and गर्व से कहा कि this long eyelashes are cover for us. It saves us from the desert sand and the desert wind. कुछ देर सोचने के बाद baby camel ने उनसे पूछा, खुदा के लिए मुझे ये बताइए, Then why we are in the zoo? For God's sake, tell me, when we have a hump to store water and survive in this desert, when we have long legs to walk through the desert, and when we have long eyelashes to save us from the desert wind and the desert sand, then why we are in the prison? ये सवाल रूमी हमसे भी पूछते हैं। Why do you stay in the prison when the door is so wide open? Rumi आगे हमसे ये कहता है कि I would like to sing like the birds, not worrying who is hearing and what they think. मैं पक्षियों की तरह गुनगुनाना चाहता हूं, गाना चाहता, बिना ये चिंता किए कि कौन मुझे सुन रहा है और क्या सोच रहा है। दिस इज वॉट इज फ्रीडम ऑल अबाउट। 74th इंडिपेंडेंस डे जब हम मना रहे हैं तो कॉलोनियल रूल से हम आजाद हुए फिजिकली, बट क्या हम अपने कॉलोनियल थॉट पैटर्न से, कॉलोनियल इमोशन से, कॉलोनियल एक्शन से हम क्या आजाद हुए? ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रीडम इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का लिटरल मीनिंग इज द फ्रीडम टू डू समथिंग। जब आप खुद को कुछ करने, सोचने, प्रकट करने, व्यक्त करने आप आजादी देते हो, उसे फ्रीडम बोलते हैं। क्या मैं और आप खुद को और दूसरों को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है,
किसके साथ जाना है? क्या इसकी आजादी हम देते? क्या हम हमारे देश के आजादी के बाद क्या हम अपने संकुचित रूढ़िवादी विचारों और भावनाओं से और कर्मों से मुक्त? कौन से कर्म है, कौन से भावना है, कौन से विचार है, मैं शायद इस समय, इस कम समय में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप और मैं खुद समझदार है, मैं कौन सी बात आपको कहना चाह रहा हूं। रूमी एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। रूमी कहते हैं कि एस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टूडे आई एम वाइस सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। एक बार दो दोस्त, छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, गार्डन में खेलने आए। एंड व्हेन दे वाज प्लेइंग, ये लड़के ने अपने पॉकेट से मार्बल्स निकाले और ये लड़की ने अपने जेब से बहुत सारे टॉफीज निकाले, कैंडीज। लड़के ने बोला कि मैं तुम्हें मेरा पूरे मार्बल्स दूंगा एंड उसके बदले में You give me in exchange your candies, your toffees. She was so happy. She was jumping around. With a yes, I love these beautiful marbles. And ye ladke ne bola, yes, I love toffees. To marble unhone bachche ko, ladki ko diya. Lekin is ladke ne ek bada sa khubsurat marble apne jeb mein chupa diya. Baki sab de diya. And this girl, as promised, gave him all the candies. दोनों खेलने के बाद खुशी खुशी अपने घर गए। एंड लेट इन द नाइट व्हेन द बॉय वॉज स्लीपिंग, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप एंड द गर्ल वॉज हैप्पीली स्लीपिंग पीसफुली विदाउट एनी टेंशंस, क्योंकि वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत खूबसूरत मार्बल्स मिले उसके टॉफीज के बदले। बट द बॉय वॉज नॉट एबल टू स्लीप, वो इस चिंता से ग्रसित था, ही वॉज स्ट्रेस्ड, यू नो वाई, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग क्या मेरे जैसे उस लड़की ने भी कोई टॉफी छुपा के तो नहीं रखा। यस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टूडे आई एम वाइस सो आई वॉन्टेड टू चेंज माई सेल्फ। I want to sing like the birds, not worrying who is hearing and what they are thinking. Why do you want to stay in the prison when the door is so wide open? आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन सही आजादी अपनी सुपीरियरिटी और इंफीरियोरिटी से निकलना है। सही आजादी खुद को आप जितना प्यार करते हैं उतना ही औरों को प्यार करना है। विदाउट जेंडर बायसेस, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग अवरसेल्व्स टू द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग अवरसेल्व्स टू द बॉर्डर्स ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स वी आर फॉलोइंग, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग अवर्स विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द पोजिशंस वी होल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली। Let's create this beautiful world. Let's be wise so that we change ourselves. जल्दी मिलते अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत विचार को लेकर, और तब तक हम आजादी का जश्न मनाते हैं। थैंक यू सो मच।